नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब एक बार फिर से मीत अलावत के फादर एक बार फिर से अपना एक कड़ा फैसला सुनाते हुए नजर आने वाले हैं। उस फैसले में ये बोल देंगे कि आज से हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है, बल्कि आज से हम अपनी मीत बहू को अपना बेटे का दर्जा भी देते हैं और पगड़ी बांध कर ये स्वीकार करते हैं कि आज से हमारे लिए हमारे बेटे मीत बहू के रूप में ही देखा जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से बर्फी देवी जो प्लान बना रही थी मीत हुड्डा को इस घर से निकलवाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा इस घर से निकल जाए और इस परिवार में मेरी बेटी का पूरा सम्मान और पूरा राज हो और इसमें मैं भी राज कर सकती हूं और इस परिवार को तोड़ सकती हूं। लेकिन दोस्तों, किसी भी तरीका से बर्फी देवी का प्लान पूरी तरीका से वर्क कर ही नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों जो अलावत परिवार को तोड़ने का जो मनसा थी एक तरीका से बर्फी देवी की, वो मनसा किसी भी तरीका से काम नहीं आई। पहले से ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीका से लगातार मीत हुड्डा के साथ में जो किया जा रहा था वो वाकई में बहुत ही घटिया कर रही थी, क्योंकि मीत हुड्डा को चैलेंज किया था बर्फी देवी ने, बोला था कि कुछ समय रुक जाओ, तुम्हें दो दिन के बाद मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दूंगी। लेकिन दोस्तों, इस घर से अब मीत हुड्डा नहीं बल्कि बर्फी देवी को ये बाहर निकाल के फेंकेगी, क्योंकि दोस्तों बर्फी देवी को इसलिए फेंकेगी क्योंकि वो बर्फी देवी की मनसा भी जानती है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। वहीं पे ही बात की जाए तो मिस्टर तोड़ूराम के यानी कि मीत अलावत कर एक बहुत तगड़ा चांटा भी रसीद हुआ है, जो चांटा खुद मीत अलावत के फादर यानी राज ने ही मारा है। साथ ही दोस्तों, इस समय पूरी फैमिली कहीं ना कहीं मीत हुड्डा के पूरे सपोर्ट में है और बर्फी देवी की बेटी नीलम को वो अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर रहा है पूरा ही अलावत परिवार, क्योंकि अलावत परिवार का मानना ये है कि हमारी एक ही बहू थी और वो है मीत हुड्डा, इसके अलावा हमारी कोई बहू नहीं है, हम किसे जानते ही नहीं है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू।